हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी बाइट्स बाय अर्चना। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, वो भी बिल्कुल कम, एक टीस्पून ऑयल से मैं ये पनीर की ग्रेवी बिल्कुल बढ़िया लज्जतदार मज़ेदार बनाऊंगी। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में पानी लिया है, उसमें 5-6 टमाटर, 4 करीब प्याज छील करके, एक मुट्ठी काजू, एक कटोरी मटर और थोड़े से गरम मसाले में तेज़पत्ता और 2 बड़ी इलायची डाल करके इसको ढक करके बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। और इसी में हम पनीर भी ऐड कर देंगे इसी समय पर, जिससे कि ये अच्छे से उबल जाएगा और पनीर को हमको फ्राई भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पनीर को फ्राई करने में काफ़ी ऑयल लगता है जो एक तरह से एक्स्ट्रा हो जाता है सब्ज़ी में। तो अब मैं सब्ज़ी का मसाला तैयार करूंगी। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया, थोड़े से कुछ गरम मसाले हैं जिसमें काली मिर्च, लौंग, इलायची और कश्मीरी लाल मिर्च खड़ी। इन सबको छोटी सी कढ़ाई या बर्तन में डाल करके अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से बॉयल हो गई हैं। अब इसमें से मैं पनीर, प्याज और टमाटर सारे अलग कर लूँगी। प्याज टमाटर को हम मिक्सर जार में डालकर पीसेंगे। उससे पहले मैंने जो भून लिया था मसाला उसको डालकर पीस लूँगी, ऐसे कुछ हल्का दरदरा सा पीस कर तैयार कर लेंगे। अब प्याज और टमाटर को भी मिक्सर में डालकर पीस लेंगे और ये हमारी ग्रेवी तैयार है। और देखिए मैंने बस 1 टीस्पून ही ऑयल लिया है, उससे ज़्यादा नहीं लिया है। उसमें थोड़ा सा हींग और जीरा डाला है और पिसा हुआ प्याज टमाटर डालकर 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और उसी में 1 चम्मच के करीब मैंने किचन किंग मसाला डाला है और स्वाद अनुसार नमक डाल करके ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से भून ली है। जब तक कि थोड़ा सा उसमें से तेल नहीं छूटने लगता है, तली से मसाला नहीं छूटने लगता है, तब तक इसको पकाया है और इसमें पनीर डालकर अच्छे से मिला दिया है। जब ये सब मिल गया है तो जो हमने पानी बॉयल किया था, मटर और सारी चीज़ें, तो वो एक तरह से वेजिटेबल स्टॉक हो गया था, तो उससे टेस्ट सब्जी का आपकी बहुत ही बेस्ट हो जाता है। तो इसलिए वो सारा पानी मैंने फेंका नहीं था, ड्रेन आउट नहीं किया था, उसी सारे पानी को काजू और मटर के साथ इसी सब्जी में डाल दिया और इसको ढककर एक उबाल आने के लिए छोड़ दिया है। तब तक इसमें उबाल आ रहा है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है मेरी रेसिपी में जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताइए, तो मैं कोशिश करूँगी और बेटर करने की। और मेरा सपोर्ट कीजिए, इस तरह से कुछ आगे बढ़ने की मैं कोशिश कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ 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 मेरा सपोर्ट कीजिए और इसी तरह से अपना साथ बनाए रखिएगा। और देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी अच्छे से बॉयल होने लगी है, खोलकर देखा है तो बिल्कुल बढ़िया सब्ज़ी बनकर रेडी है। अब इसमें थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए कुछ चीज़ें डालेंगे और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, 1/2 चम्मच वो भी, और थोड़ी सी कसूरी मेथी 1/2 चम्मच और ढेर सारा हरा धनिया, ग्रेटेड पनीर और थोड़ी सी मलाई या क्रीम जो भी हो आपके पास उससे डालकर इसको अच्छे से गार्निश कीजिए। और देखिए पनीर की शक्ल ही देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितना टेस्टी लग रहा है देखने में ही, कि आप बनाएंगे और वो देखते देखते ही चट हो जाएगा। और बिना ऑयल का है तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। पनीर जितना हेल्दी होता है तो उसकी सारी क्वालिटी इसमें अभी बनी हुई है, नहीं तो बहुत सारे ऑयल की वजह से हमारी सब्ज़ी की जो क्वालिटी है बहुत कम हो जाती है। तो बाय, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।